चलिए हम लोग पढ़ेंगे सिंगली आरसीसी बीम के बारे में, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल गिवन है, ये कैसा बीम है, आरसीसी सिंगली रिइंफोर्स बीम है, जिसमें आपको इफेक्टिव डायमेंशंस यानी कि आपको विथ ऑफ द बीम दिया हुआ 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ दिया 500 mm का, और स्टील यहाँ पर कितना यानी टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो 4 नंबर्स में है और 20 mm डायमीटर का बार यूज़ किए हैं। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ द स्टील भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो स्टील का जो ग्रेड है वो Fe415 दिया हुआ है और कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 दिया है, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सियल लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपको के इंटू डी। तो के का जो वैल्यू है फॉर द ग्रेड ऑफ Fe415 ये कितना हो जाएगा 0.48 टाइम्स ऑफ द डी, किसके लिए Fe415 के लिए। तो यहाँ से हम 0.48 को इफेक्टिव डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48 × 500, तो वैल्यू निकल कर आता है 240 mm। तो यहाँ से हमको एक्सियल लिमिटिंग का वैल्यू निकल गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं एक्सयू की वैल्यू को। तो एक्सयू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन के फार्मूला से एक्सयू का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 0.87 FY × ST डिवाइडेड बाय 0.36 × B FCK × B। यहाँ पर देखिए FI का वैल्यू दिया हुआ है, FCK का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू गिवन है, ST टोटल फॉर्म में नहीं दिया। तो हम यहाँ से सबसे पहले एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द स्टील हो जाएगा 4 × π/4 × डायमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर 4 इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल हमको गिवन है, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ बार्स हम यूज़ किए हैं। तो 4 × π/4 × 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं 400 × π, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपको 1256.63 mm². तो बाकी सारा वैल्यू पुट करने पर हम एक्सयू का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.87 FY415 हो जाएगा, और एरिया ऑफ द स्टील अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 1256.63 डिवाइडेड बाय 0.36, FCK का वैल्यू 20 Nm/mm² हो जाएगा, और जो बी है विथ हमको गिवन है 300 mm। तो इसको सॉल्व करने पर एक्सयू का वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं, 0.87 × 415 × 1256.63 डिवाइडेड बाय 0.36 × 20 × 300, इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा आपको 210.04 mm। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे किसको, एक्सयू यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो एक्सयू निकल कर आया है ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और ये एक्सयू लिमिटिंग का वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सयू मैक्स। तो हम कंपेयर करेंगे एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू को। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखिए एक्सयू का वैल्यू जो है 210.04 mm है और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 240 mm है, यानी ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा है, यानी एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा एक्सयू से। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका सेक्शन है वो कैसा सेक्शन है, अंडर रीइन्फोर्स्ड सेक्शन है, क्लियर। तो इस कंडीशन में जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यूज़ करेंगे क्या, यूज़ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के दो फार्मूले हो सकते हैं, या तो आप कंप्रेसिव फोर्स वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या टेंसाइल फोर्स वाला, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं यहाँ पर कंप्रेशन के केस में निकाल लेता हूँ, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म हो जाएगा। तो कंप्रेशन हम कैसे निकालते हैं, 0.36 FCK B इनटू XU, और लीवर आर्म हम जानते हैं ये होता है D − 0.42 XU। यहाँ पर हम XU पुट करेंगे, जैसा कि हम कंपेयर करके यहाँ पर बता चुके हैं कि आपको क्या पुट करना है। तो आप वैल्यू देख लेते हैं, 0.36 FCK का जो वैल्यू है वो 20 है, बी का वैल्यू आपको 300 दिया है, और XU जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 210.04 है, और डी का वैल्यू जो है वो गिवन है 500 mm −0.42 × XU, डेट इज 210.04। इसको देख लेते हैं कितना वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा, 500 − 0.42 × 210.04 × 300 × 210.04
इंटू 20 इंटू 0.36। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगा 1868204376, ये न्यूटन एमएम में होगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 10^6 से, तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगा 186.82 किलो न्यूटन मीटर। सो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा था। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।